नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी रवि मीना को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही विभिन्न धाराओं में मामले को पंजीबद्ध भी किया। बता दें कि कल दोपहर को एक नाबालिग बच्ची अपने स्कूल जा रही थी, वही रास्ते में रवि मीना ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, साथ ही नाबालिका को अपने साथ ले जाने का प्रयास भी किया, जिसकी सूचना साथ ही खड़े लोगों ने पुलिस को कर दी, जिसके बाद पुलिस ने रवि मीना को हिरासत में ले लिया, उस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इसमें प्रथम दृष्टया जैसे ही परिवार के साथ बच्ची यहाँ थाने पे आई, और बच्ची जो कि नाबालिग थी, तो उसने 10वीं क्लास में पढ़ती कृष्णा पब्लिक स्कूल में, तो बच्ची अपने स्कूल के लिए ही जा रही थी, उसी समय पे ये रवि मीना नाम का एक लड़का है कि जो कि जामनेर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन वो भी कॉलेज में पढ़ रहा है तो किराए से कमरा लेके रहता है, तो इस बच्ची को काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। और कल दोपहर के शाम के बीच में वो कृष्णा पब्लिक स्कूल जाते समय बच्ची अपने स्कूल जा रही थी, उसी के पास आया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और उसको खींचने का प्रयास किया, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने देख भी लिया था, कुछ ही लोगों ने तत्काल सूचना दी, परिवार के सदस्य भी उसके थाने पर आ गए थे, पिता आ गया था, उसके आधार पर इसमें जो विधिसम्मत धाराओं के साथ में अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को तत्काल इसमें गिरफ्तार कर लिया गया।